सवाल नंबर एक, सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? जवाब, वेटिकन सिटी। सवाल नंबर दो, सोयाबीन में ये ज्यादा पाया जाता है? जवाब है प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सवाल नंबर तीन, हुईज कलाम के मुसन्निफ कौन हैं? जवाब, ए आर रामानाथन हुईज कलाम के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर चार, ईरान का कौमी निशान क्या है? जवाब है सुर्ख गुलाब। सवाल इस तरह से होना चाहिए था, ईरान का कौमी फूल कौन सा है? तो सही जवाब है सुर्ख गुलाब। सवाल नंबर पाँच, आलमी यौम मादरी जबान कब मनाया जाता है? जवाब है 21 फरवरी। 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी जबान मनाया जाता है। सवाल नंबर छः, रोवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? जवाब है फुटबॉल, फुटबॉल के लिए रोवर्स कप दिया जाता है। सवाल नंबर सात, जलजलों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला कौन सा है? जवाब है सेस्मोग्राफ, जलजलों की पैमाइश के लिए सेस्मोग्राफ इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर आठ, क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाजमी तालीम के क़ानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? जवाब है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाजमी तालीम नाफिज किया गया। सवाल नंबर नौ, हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है? जवाब, चार बबर। सवाल नंबर दस, NCTE का ताल्लुक इससे है? जवाब है मौलिम की तालीम, NCTE का ताल्लुक मौलिम की तालीम से है।